खबर है कि सिंध हाई कोर्ट ने मुशर्रफ की तलबी के लिए लंदन के अखबार में इश्तिहार शाये कराने का हुक्म दे दिया। अच्छा जी, यार वैसे इस इश्तिहार की तहरीर क्या होगी? एक साबक सदर जिसका बाजे जैसा मुंह है, यार खुदा के लिए 108 अरब का कर्जा फुफड़ का माल समझ के माफ कर गया है, और आजकल पेरिस, लंदन और न्यूयॉर्क में लेक्चर देने की नई पखंडबाजी कर रहा है। जिस किसी को भी बाजे तबले के साथ संगत करता हुआ नजर आए, वो उसे बता दे कि बकरे की मां कब तक टोल बजाएगी, एक ना एक दिन तो नवाज शरीफ के काबू आएगी। तुम भी चौधरी शुजात की तरह ना मुहावरों का सत्यानाश करने की मशीन हो। यार ये सत्यानाश हुआ है, मुझे बताओ तो और क्या हुआ? यार मौके मुनासबत के साथ आप हल्का फुल्का चेंज नहीं कर सकते? बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। दोगिया तुम्हारे वाली, तुम हमें खाम खाई आटा लगा लेते हो। खबर है कि चेयरमैन कौमी तामीर नौ ब्यूरो डॉक्टर आसिम हुसैन मुस्ताफी हो गए। अब सुना है ये भाई साहब गवर्नर सिंध लगाए जा रहे ना। चर्चा तो यही है कि अगर एमक्यूएम से अलहदगी होती है पीपल्स पार्टी की, तो इनको गवर्नर लाया जाएगा। मगर यार वो जो इशरतुल आबाद साहब है, उनकी तो फ्लाइंग किक की बहुत डाडी है। ये ना हो कहीं हड्डी जोड़ का हड्डी तोड़ से वास्ता पड़ जाए। ये जो शोहरत इस वक्त हो चुकी है ना डॉक्टर आसिम की, उसके बाद जरदारी साहब शायद इन्हें नायब तहसीलदार तक ना कहीं लगाना पसंद करें। गवर्नर लगाना तो बहुत दूर की बात है। नायब तहसीलदार भी तुमने रियाती नंबर दिए। ये मैं एग्री कर रहा हूँ वैसे इसके साथ। अच्छा? कि नायब तहसीलदार लगाना, मैं यही तो कह रहा हूँ कि नायब तहसीलदार भी ना लगाए कहीं। खबर है कि ऐवान सदर और मुक्तदर कुवतों में मामला तय पा गए। 15 वजीर मशीर इधर उधर, सिफारतकार भी शामिल हैं। लो भाई वो जो मैंने तुम्हें बताया ना वजीरों के मतलब, उसमें हसैन कानी भी डाल लो। बल्कि हसैन कानी साहब तो उधर से फारग हो के इतनी दूर से जब इधर आएंगे ना, तो उनकी आवाज ही जीव हो जानी है। यार बस करो ना। ओहो नेक्स्ट खबर है कि ईद से ओहो मुझे खबर तो एक बार रह गई थी यार, मैं माफी चाहता। अच्छा अब तो नहीं कुरेगी? नहीं नहीं अब बिल्कुल नहीं, अब बिल्कुल ठीक हो गए। यार ये क्या है? ये फंसी हुई थी दोबारा। अच्छा अब तो नहीं है ना कोई? नहीं नहीं चलो शुरू करो। ये क्यों एहतियातन कर दिया ना, मैंने कहा काम खराब ना हो यार। चलो जी अब इजी हो के सुनाओ। खबर है कि ईद से पहले सरकारी अस्पतालों से डॉक्टर गायब हो गए। लो जी ये मेरा ख्याल है पार्ट टाइम जॉब के तौर पर बेचारे बकरे भी काटते हैं। इन्हें क्या जरूरत है, डॉक्टर है वो, उन्हें पार्ट टाइम जॉब। जरा एक दफा हेल्थ केयर बिल ला लेने दो पंजाब वालों का। अच्छा। तुम देखना यही डॉक्टर बेचारे तुम्हें माली मोची तरखान वेल्डर हत्ता के तुम्हें मौत के कुएं पर खुसरे बने हुए भी नजर आए। वह तेरे मोखड़े ते काला काला तेल वे वे सानू ले गया हेल्थ केयर बिल वे वे मुंडे आसे आल कोटिया दो गोलियां सुबह दो दोपहर दो शाम सदके जावा ओ क्यों नाल डॉक्टर भी आ हाय शबाज शरीफ हाय इना टुरदा फिर नहीं थकदा दवाई लेनी नहीं आंदा हाय हेल्थ केयर बिल वे मार दिया बेलने आए, 30 रुपये की दवाई देते थे वो भी ना हजम हुई आए, आए, पहले हमारे पीछे थोड़े बंदे थे ऊपर से इंस्पेक्टर लगा दिए आए हला इंस्पेक्टर हो हमारी बातों आई है अल्लाह करे हमारे पीछे ही ढोलकियां बजाओ आए वे शबाज शरीफ कोई गल नहीं माल लुआन ते साडे कोल ही आना ही ना। खातिन हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी कल, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़ व नासिर।